बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब नमस्कार, जय श्री राम, मोदी मोदी मोदी। इधर हमारे राहुल गांधी, हमारे कहे के यार, राहुल गांधी है जिनके होंगे होंगे, राहुल गांधी वो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, देख रहे हो, मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, अब माल कुछ बिक नहीं रहा। मोहब्बत की असली दुकान तो हमारे मोदी जी चला रहे हैं। मोहब्बत देखिए बढ़ती कैसे है, एक दूसरे के आपस में मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मोदी जी ने वही किया है। एक दूसरे का व्यापार बढ़े आपस में, एक दूसरे का प्यार बढ़े आपस में, उसी से मोहब्बत बढ़ती है। तो अभी तीन राज्यों में मोदी जी ने प्रचंड बहुमत से जो जीत हासिल की है, ये लोगों का प्यार बढ़ाने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए तीन स्टेट में जीते हैं। अब हम बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, देखो ना? अब मोहब्बत का पैगाम बढ़ता कैसे है, जब राजस्थान के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से मिले जुले आए जाएं, काम व्यापार करें, दोनों का प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश, तो एक राज्य के दूसरे राज्यों से लोग जब मिले जुले फायदा हो एक दूसरे का, तो उससे मोहब्बत बढ़ती है। अब फायदा होगा कैसे वो आपको बता रहे हैं। अब देखिए मोदी जी ने कहा ना कि राजस्थान में भाइयों बहनों 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये अशोक गहलोत लूट रहा था, वहां पर राजस्थान की जनता को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे वो, है? मोदी जी ने कहा ये लूट नहीं चलेगी, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब देखो राजस्थान में 450 का सिलेंडर है, बगल में यूपी लगा है एकदम डबल खर्च से 900 रुपए का सिलेंडर, है? तो अब उत्तर प्रदेश के लोग जो है बगल में जाए राजस्थान में, वहां से 450 का सिलेंडर खरीद के लाए और उत्तर प्रदेश में एकदम डबल बेचे, नहीं 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 हाँ फायदा हो सकता है उनका, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में तो 900 का है, और जो लोग उधर मध्य प्रदेश के बॉर्डर में लगे हुए हैं उनको अगर 900 का सिलेंडर महंगा लग रहा है, तो वो मध्य प्रदेश से 450 का सिलेंडर खरीद लें, समझे? तो अब इससे क्या होगा, देखो उत्तर प्रदेश में भी रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि लोग अपना सिलेंडर विलेंडर खरीदने जाएंगे, गाड़ी घोड़ा लेकर के जाएंगे, वहां कुछ खाएंगे पिएंगे लेकर के आएंगे, तो ऐसे एक दूसरे का व्यापार बढ़ेगा, वहां से राजस्थान में ज्यादा सिलेंडर बिकेंगे, उत्तर प्रदेश वालों को फायदा होगा। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो है, जैसे लाडली बहना मध्य प्रदेश में, देखिए बहनों को जो है 3,000-3,000 रुपए जो है वहां पे मिलेंगे, अब हर महीने 3,000-3,000 पॉकेट के बिना काम के, इतना तो खुद का आदमी जो है काबिल होता है वो अपनी वाइफ को नहीं देता है, जितना लाडली बहनों को वहां पर मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश में देखो, यहाँ कोई लाडली वाडली बहना नहीं है बाबा जी का, हाँ बाबा जी सब ऐसे ही है, मतलब हाँ अभी देखो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का लफड़ा चल रहा है, और महिलाएं अपना जो है वहां पे संघर्ष कर रही हैं, लाठी डंडा खा रही हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। उधर डायल 100 की जो महिला पुलिस थी वो भी कह रही थी हमारी पगार थोड़ी से बढ़ा दो, उनका यार लाठी डंडा। तो उत्तर प्रदेश में बहनों का कोई लाड प्यार नहीं है, तो अब बहनें जो है लाड प्यार करने के लिए मध्य प्रदेश में सेटल हो जाए, है? वहीं पे शादी ब्याह कर लें, जो भी है अपना आना जाना, तो वहां लाडली हो जाएंगी, नौकरी धंधे के लिए शिक्षक भर्ती इसके छुटकारा मिल जाए, घर बैठे 3,000 रुपए कमा सकती हैं। तो एक राज्य का दूसरे राज्य से इस तरीके से प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। एक चीज और बता रहे हैं प्यार मोहब्बत बढ़ने का, कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो किसान लोग गेहूं बेच रहे हैं, तो वहां की सरकार 2,200 रुपए में गेहूं जो है किसानों से खरीदती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी जी ने कहा हम 2,700 रुपए में किसानों से जो है गेहूं खरीदेंगे, 2,700 रुपए में, समझ गए? तो अब 2,200 रुपए में यहाँ है, तो अब यूपी के लोग वहां पे जाके गेहूं बेचे हुए वहां 2,700 का, तो 500 का फायदा होगा, और प्लस क्या मध्य प्रदेश में भी लोगों के पास गेहूं हो जाएगा ज्यादा, तो इधर से उधर और उधर से इधर प्यार मोहब्बत आदान प्रदान लेन देन यही सब चलता रहेगा। मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है, तो राजस्थान में इतना महंगा पेट्रोल है, तो राजस्थान के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के वहां पे बहुत सस्ता एकदम ऐसे मिल रहा है, हाँ उत्तर प्रदेश में आकर के वहां पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो बस पेट्रोल का इधर और क्या कहते हैं गैस का इधर, डीजल का इधर, लाडली बहना का इधर, गेहूं का इधर से उधर, उधर से इधर, तो इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और लोग जो है ये समझते हैं कि एक मिनट भाई साहब, हाँ क्या बोल रहा है,
ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी तो मोदी जी ने बोला था कि चुनाव जीत जाएंगे तो भाइयों बहनों दो सिलेंडर, एक होली और दिवाली को फ्री में देंगे। आज तक दिया नहीं, कह नहीं दिया तो क्या हुआ? वहां पे झूठ झूठ कह रहे, वो जुमला होता है, समझे? हाँ, हो सकता है राजस्थान में भी जुमला हो, लेकिन विश्वास तो भाई करना पड़ेगा, मोदी की गारंटी है। मोदी ऐसी ही गारंटी लेते हैं, यहां बोला यहां निकल गए, वहां निकल गए। अब जनता खुद डिसाइड करेगी। 450 का सिलेंडर बोला कि यूपी में तो एक भी नहीं दिया, जबान से मुंह से बोल करके गए, पब्लिक ने जितवा भी दिया। आज इतने दिन हो गए, एक भी सिलेंडर फ्री नहीं दिया, तो इनको 450 में कहां से देंगे? अबे मोदी को नहीं जानते हो, मोहब्बत की असली दुकान मोदी जी खोल के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक दूसरे का सब प्यार, मोहब्बत, व्यापार, ये सब बढ़ाने की ये योजना है मोदी जी की, समझ गए? हाँ, अच्छा ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं 450 का सिलेंडर दे देते हैं, वहां पर भी तो उनकी सरकार है। अबे नहीं देंगे तो उनका जहां मन होगा वहीं पे देंगे, मध्य प्रदेश में देंगे, राजस्थान में देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। बात करता है भाई, ये तो मोदी जी की, उनके दिल दिमाग में कुछ होगा कि कहाँ की जनता को क्या करना है, वो उस हिसाब से तय करेंगे। मध्य प्रदेश में बहनों को लाडली माना जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता है। यहाँ लाठिया डंडे पड़ते हैं, वहां पे 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। राजस्थान में महंगा पेट्रोल है, यहाँ सस्ता पेट्रोल है, वहां पे ये है प्यार मोहब्बत, डांग ढूंग डांग बस इसी में गुरु है, ऐसे बंधे हुए फंसे रहो 24 तक। अब फिर 24 आ जाएगा, फिर मोदी जी जो है, हाँ, फिर यही कहेंगे कि भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में बहुत महंगा सिलेंडर था, 450 रुपए में राजस्थान में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 350 में देंगे। अभी रुको, वहां उत्तर प्रदेश में भी देंगे 350 का, फिर राजस्थान वाले, उनको लगेगा 450 का सिलेंडर महंगा है, तो उत्तर प्रदेश में आके खरीद के लेकर के जाए। तो इधर से उधर, उधर से इधर, प्यार मोहब्बत व्यापार, मोदी मोदी सरकार 24, ढंग 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 ढंग, बस इसी में लगे रहो गुरु। है बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।